जेवलिन यानी भाला इंसान के साथ करीब करीब स्टोन एज यानी पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। पहले इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए भाले से शिकार करता था, फिर युद्ध में ये मुख्य हथियार बन गया और उसके बाद ग्रीस ओलंपिक से इसे ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया और आज अपने आप में ये एक यूनिक और तेजी से उभरता हुआ स्पोर्ट है। इंडिया में जेवलिन थ्रो को पॉपुलर स्पोर्ट बनाने का काफी क्रेडिट मैं देना चाहूंगा उसकी चैंपियन अनु रानी को। आज से मैं इनका नाम बदलकर एक नया नाम दे रहा हूँ और वो नाम है जेवलिन रानी। कैसा लगा आपको ये नया नाम? ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतने बड़े प्लेयर आप सर एक स्टार और मुझे एक नाम दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी मुझे सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अनु, सबसे पहले मुझे बताएं कि जेवलिन है क्या और इसे कैसे खेला जाता है? सर, जेवलिन एक बांस का डंडा होता है। अगर हम स्टार्टिंग में बांस से करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि उससे इंजरी के कम चांस रहते हैं और वो हमारा 600 ग्राम का होता है। जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता जाता है तो वो एल्यूमिनियम या कार्बन वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता रहता है। 600 ग्राम के एक डंडे को फेंकना है? हाँ जी। ये जेवलिन है? हाँ जी। बट उसके पीछे कितनी ताकत लगती है उसको फेंकने के लिए? जेवलिन सर एक ऐसा इवेंट है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंजरी होता है, एल्बो, शोल्डर, नी और एंकल, तो इसको फेंकने के लिए हमारा पूरा बॉडी यूज होता है तभी हमारा करेक्ट थ्रो जाते हैं। वो सर देखने में तो ईजी लगता है, जब मैं स्टार्टिंग में किया तो मैंने वो उठाया, मैंने सोचा ये तो बहुत ईजी है, मैं तो उसको बहुत दूर फेंक दूंगी। तो जैसे मैंने वो उठाया तो मैं फर्स्ट थ्रो में पूरा नीचे गिर गई। अच्छा। तो सभी देख के हंसने लगे कि ये क्या। देखने में इजी है बट उसके लिए काफी स्ट्रेंथ चाहिए। जेवलिन को फेंकते कैसे? जेवलिन को 30 मीटर का रन में होता है, उसमें से भाग के फिर क्रॉसिंग स्टार्ट करके और लास्ट में जितना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं वो लगा के इसको हम थ्रो करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जेवलिन को आपने एम कहीं किया हो और वो गिरा कहीं और जाकर? हाँ जी सर, ऐसे होता है। उसका ग्रिप होता है, अगर वो थोड़ा भी लूज हो गया तो उसका एंगल गड़बड़ हो जाता है, वो इधर भी और इधर भी गिर सकता है। और अभी मैं जब स्टार्टिंग में किया था तो मुझे एक सर सिखाते थे उधर, तो गलती से वो जेवलिन उनको गड़ गया। कोच को ही लग गया? मैंने सर को बोला सर थोड़ा पीछे हो जाइए, सर बोले नहीं नहीं अरे इधर तक तेरा जेवलिन नहीं आएगा। मैंने बोला सर आएगा, वो नहीं साइड में नहीं हुआ, तो मैंने जो फेंका वो उनको इधर लग गया। तो उन्होंने कैच करने की कोशिश नहीं की, हटने की कोशिश नहीं की, आपने इतना जोर से फेंका कि सीधा उनको? हाँ जी सर, वो अभी भी मुझे याद करते। अनु, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए कि आप बचपन में कैसी थी, कैसे जेवलिन सीखा, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसके बारे में कुछ बताएं। स्टार्टिंग में सर गांव में तो बस यही लड़कियों की लाइफ रहती है कि बड़े हो जाओ, घर का काम सीख लो, उसके बाद शादी कर दो, यही सब। तो मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे ये था कि मुझे गाँव से बाहर निकलना है, कुछ करके दिखाना है। स्टार्टिंग में पापा को बोला कि मुझे स्पोर्ट्स करना, तो पापा बहुत गुस्सा हुए कि लड़कियाँ क्या करोगे स्पोर्ट्स करके। तो फिर मैं सबसे छोटी हूँ घर में और जिद्दी भी हूँ, तो सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। तो मैं मुझे जिद था कि नहीं मुझे तो करना, आप कितना भी मना करो मैं तो करूँगी। तो मैं खाना नहीं खाती थी घर में, रोती रहती थी मुझे तो करना है। तो पापा ने सोचा कि ठीक है छोटा मोटा खेल लेगी इधर ही, फिर अपना घर में बैठ जाएगी आके। तो पापा को ये नहीं पता था कि मैं आगे यहाँ तक पहुँच जाऊंगी कि पहली महिला बनूंगी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूंगी या नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बन जाऊंगी। तो उसके बाद आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था जब आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया? हाँ जी, स्टार्टिंग में तो पापा ने मना किया लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पापा और मेरे भाई ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बीच में आ गई थी, पापा बोले कि अभी इसको हम छुड़वा भी नहीं सकते और अभी हम क्या करें कैसे करें। तो उस टाइम पे पापा फिर दोस्त वगैरह से पैसे वगैरह लेके आते थे, तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल मैंने किया। तो जेवलिन किसने बताया आपको? जेवलिन तो सर हमारे स्कूल में ही होता है, तीन इवेंट होते हैं, अगर हम तीनों में गोल्ड लेके आएंगे तो मैं चैंपियन बनेंगे और चैंपियनशिप मिलेगा।
तो मेरे पीटीए सर ने मुझे बोला कि ठीक है तुम कोई भी एक इवेंट ले सकते हो. मैंने बोला सर ठीक है जैवलिन हल्का है वो तो मैं भाग के ऐसे ही फेंक दूंगी. तो ऐसे मैंने लिया. तो वो बेम्बू कहाँ से लाती थी? वो स्कूल वाले देते थे आप खुद बनाती थी? हाँ सर स्टार्टिंग में तो स्कूल वालों ने दिया पर मैं इतना प्रैक्टिस करती थी मैंने बहुत सारा बेम्बू को तोड़ दिया. तो उधर के सर भी मेरे से परेशान होंगे बोले ये तो बहुत तोड़ती है हम नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम. अच्छा है जब आपने जैवलिन को प्रोफेशनल स्पोर्ट लिया तो आपकी क्या क्या परेशानियाँ आई? स्टार्टिंग में सर शू भी पहनने के लिए नहीं होता था जो किट चाहिए हमें वो भी नहीं होता था और जो जैवलिन फेंकने के लिए इसका अलग से स्पाइक्स आता है वो भी 10-11 हज़ार का आता है. जब चाहो ऑन हो जाओ एपिक ऑन चलाओ डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप.